तो अगर ये कैमरा देखेंगे तो ये सबका बाप है, ये इस टाइनी कैमरा में सब कुछ है। आप अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं सो नहीं पाता हूँ। तो ये लास्ट ईयर लॉकडाउन की बात है, मैं रात दिन एक ही चीज देखता था, गोप्रो हीरो 7 ब्लैक। तो एक रात अमेज़न से निकाल लिया। फिर क्या था, विद इन फ्यू मिनट्स आई गॉट अ मेल फ्रॉम गोप्रो। मुझे लौट आना था, मैं भी जिद पे अड़े, मैंने डील कर लिया। उसके बदले गोप्रो का प्रमोशनल वीडियो बना लिया। तो देखिए आप लोग कैसा लगता है आप लोगों को। So today I'm going to talk about this tiny camera, small camera. So ये camera जो आप देख रहे हैं ये सब camera का बाप है। Good evening everyone. So अभी मेंढक का sound भी आ रहा है, कुत्ता का sound भी आ रहा है, उसको ignore करते हैं क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा प्यारा सा एक camera जो मैंने लिया था last year lockdown में, तो उसका review देने वाला हूँ। तो अगर ये camera देखेंगे तो ये सबका बाप है, ये इस टाइनी कैमरा में सब कुछ है, आपको जो जो चाहिए सब फैसिलिटीज़ है। तो कुत्ता को भी अभी भूखना है, तो देख सकते हैं आप, प्यारा सा छोटा सा है। इस कैमरा का क्वालिटी बताता हूँ क्योंकि मैं एक साल में मैंने बहुत सारा राइड किया, बहुत सारा जगह जाके इससे शूट किया, तो उसके बाद रिव्यू दे रहा हूँ। तो मैंने कीचड़ वाले रास्ते में भी चलाया, मैंने एडवेंचरस रोड में भी चलाया, मैंने माइनस में भी चलाया, मैंने हाई टेम्परेचर में भी चलाया, मैंने प्लेन्स में भी चलाया, मैंने तो सब जगह मैंने इससे शूट किया है। तो एट लास्ट जाके मैं अभी इसको बोलना चाहता हूँ सब कैमरा का बाप, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप फैसिलिटी क्या क्या है। इसमें है 12 मेगापिक्सल। मत घबराइए, आपका फ़ोन का जैसा नहीं होगा, इससे जो भी क्वालिटी है इसका वो 100 टाइम्स बेटर होगा। क्वालिटी जो आप मोबाइल से लेते हैं उससे 100 टाइम्स बेटर होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो नेक्स्ट है 4K 60fps और एंड 1080p 240fps। इसका मतलब ये है कि मतलब आप लाख लाख खर्च करके भी इस तरह का क्वालिटी का कैमरा आप नहीं ला सकते, तो आपको लाख खर्च करना पड़ेगा उसके लिए 4K 60fps के लिए। तो ये एक हुआ इसका, और दूसरा हुआ आप 10 मीटर अंदर तक, ये वाटरप्रूफ है, फुली वाटरप्रूफ है, तो आप 10 मीटर तक इसको अंदर शूट कर सकते हैं इससे, वो दूसरा। फिर आपका हुआ इसका वॉइस कंट्रोल भी है, वॉइस कमांड है, GoPro turn on, GoPro turn off, तो इसका वॉइस कंट्रोल भी है, बहुत बढ़िया सा है वॉइस कंट्रोल। और इसका जो भी पैनल है ये टच स्क्रीन है, वो भी बढ़िया सा है, और इससे होता है 8x स्लोमो। उसके बाद इसमें GPS भी है, SDR है, और इसका सबसे बढ़िया, ये मुझे सबसे बढ़िया है इसका, ये है हाइपर स्मूथ। जब आप कैमरा को इस तरह से शूट करेंगे, बाइक में जब राइड करेंगे, तो कीचड़ वाले रास्ते में जिस तरह से वाइब्रेशन होगा वो सब ये कंट्रोल कर देगा, बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा होगा इससे ये। और नेक्स्ट, और इससे लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा। तो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ मतलब सब कैमरा का बाप, क्योंकि रीज़न है ये हैंडी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अगर ड्राइवर है, आप राइडर है, आप टीचर है, आप किसी भी फील्ड में, आप आईटी सेक्टर में, आप किसी भी फील्ड में आप ये कैमरा ले सकते हैं, कहीं भी कहीं जगह, आपको उतना स्पेस भी नहीं चाहिए। अगर इसी क्वालिटी का अगर आपको कैमरा लेना है तो इस तरह का इतना बड़ा कैमरा होगा,
उसके लिए आपको बैग चाहिए, हर जगह आप वो लेके नहीं जा सकते, तो ये आप किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। अगर इसको मैं ये निकाल दूंगा पूरा केस, तो ये इतना छोटा सा कैमरा है। तो ये हुआ इसका साइज। तो नेक्स्ट इसका हुआ स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब किसी भी जगह आप इसे हिलाते हैं तो इतना बढ़िया इसका स्टेबलाइजेशन, मैं आपको फुटेज भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में शायद, तो इतना बढ़िया है इसका स्टेबलाइजेशन। और थर्ड है, आप किसी भी क्रॉट में जाके आप शूट कर सकते हैं, किसी को नोटिस भी नहीं होगा। मतलब इस तरह से शूट करेंगे, इस तरह से शूट करेंगे, किसी को नोटिस भी नहीं होगा, छोटा कैमरा है। अगर आप बड़ा कैमरा लेके इसे करेंगे तो सब कॉन्शियस हो जाएंगे, सब आपकी तरफ देखेंगे, तो ये इसका वो बड़ा एडवांटेज है। तो नेक्स्ट माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन 1, 2, 3 तीन है इसका माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन बहुत बढ़िया सा है इसका। और नेक्स्ट इसका जो वाटरप्रूफ है, आपको कुछ केस की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे पानी में रख सकते हैं, पानी के अंदर जा सकते हैं, स्विमिंग में जा सकते हैं, तो उसका ये बेस्ट क्वालिटी है इसका। मतलब जो केयरलेस बंदे हैं वो लोग मतलब इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, पानी के अंदर कहीं भी, कीचड़ वाले कीचड़ में भी डाल सकते हैं, बाद में धो सकते हैं, तो इसको कहीं भी लेके जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उतना केयर की ज़रूरत नहीं है। इसको लेंस, सिर्फ लेंस को बचाना है और ये स्क्रीन को बचाना है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बहुत बार गिर चुका है, तो अभी यहाँ इसका मैंने गार्ड लगाया था तो इसको इसमें क्रैक भी आया है, देख सकते हैं, तो एकदम बढ़िया है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब कैमरा का बाप है, बाप ही है ना, सब इसमें दिया हुआ है। 30,000 के रेंज में आपको कोई भी कैमरा इस तरह का मतलब फैसिलिटी नहीं देता है, इस तरह का क्वालिटी नहीं देता है। तो किसी भी प्रोफेशन में है, अगर आप कैमरा लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये बेस्ट हो सकता है। तो ये तो हुआ इसका प्रोज हुआ, तो अभी कॉन्स की बात भी करते हैं। जो भी लेंस है, लेंस इसका फिक्स है, लेंस चेंज नहीं होता है, ये चेंजेबल लेंस नहीं है, तो आपका ये डिसएडवांटेज एक हुआ। जब आप गोप्रो से मोटर ब्लॉगिंग करेंगे तो मोटर ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए एक एडाप्टर। इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको एक एडाप्टर चाहिए साउंड के लिए, तो उसमें जो भी माइक्रोफोन जाएगा, माइक्रोफोन भी मतलब पावर्ड वाला होना चाहिए, वो इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन जो पैसा डालेंगे उसका साउंड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया सा आएगा। और इसका बैटरी लाइफ की बात करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा गोप्रो को काम करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं तकेगा बैटरी, तो उसको बैटरी लाइफ थोड़ा सा अगर लास्ट करता तो और भी बेहतर होता, पर भी हम लोग एक्स्ट्रा बैटरी लेके चल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना ही है इसका, तो आप लोग बेझिझक इसको ले सकते हैं, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर क्वालिटी आप शायद ही कोई कैमरा देगा। तो ये सब कैमरा का बाप ही है। तो लीजिए, तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो ये वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। GoPro, turn off.